हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनिमे सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे हम फोर्स स्विम टेस्ट कर सकते हैं। एनिमे को क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट स्क्रीन है, उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिंग करेंगे। इसमें यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब इसको लॉगिंग कर चुके हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, उसे आपको सिंपली ओके कर देना है। ये पूछ रहा है कि आपका सिस्टम जो है नेट से कनेक्ट है कि नहीं। अब हम न्यू एम्प्टी एक्सपेरिमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर हमें एक स्क्रीन मिलेगा जहां सारे हेडिंग्स रहेंगे, सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे। तो वो फंक्शंस को हम वन बाय वन चेक करेंगे कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है हमारे फोर्स स्विम टेस्ट के प्रोटोकॉल को डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पे एक नोटिफिकेशन आया है जो बता रहा है कि आपका लैपटॉप या सिस्टम अब कनेक्ट है इंटरनेट से, जिसकी हेल्प से आप मेल के द्वारा एनिमेस टीम के साथ एनी टाइम सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं ईमेल सेंड करके। इसमें सपोर्ट सिस्टम होता है, वो आपको ऑनलाइन रिस्पांस देता है, वो करीब करीब 24 आवर्स के अंदर वो आपको रिप्लाई देगा। और उसके बाद आगे आपको देखना है कि अब मैंने यहाँ पर इस पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैं अपने जो स्टडी है उसको एक नाम दे रहा हूँ, जिससे कि इसको सेव कर सकते हैं। अब इस पे जैसे ही हमने नाम दिया है, उसका नाम आ चुका है, तो हम यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट अब ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए पहले हम यहाँ पर जाएंगे वीडियो सोर्स में, वीडियो सोर्स में जाके ऐड करेंगे। ऐड करते ही हमें जो वीडियो के सोर्स में जो वीडियो दिख रहा होगा, जिसमें जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और वो पूरे ऑब्जेक्ट को आप घुमा फिरा के आगे पीछे करके चेक करके देख सकते हैं इसमें। और फिर आपको उसको एक नाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपार्टस सेट करना पड़ेगा। अपार्टस पे क्लिक करेंगे तो अपार्टस देखेगा, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एक अपार्टस। अपार्टस जैसे ही ऐड करेंगे उसमें न्यू अपार्टस का ऑप्शन आएगा, और उसमें जाके आप उस अपार्टस को एक नाम दे सकते हैं अपनी तरफ से, जिससे कि वो आप उसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप बहुत सारे अपार्टस ऐड कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हैं। जिसे अब उसे हम पूरी तरह से हम उसे अपार्टस वन ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम जाके यहाँ पर जोन सेट करेंगे इस अपार्टस में, और वो जोन सेट करने के लिए इसका मेजरमेंट हमें यहाँ पर डालना रहेगा। तो हम मेजरमेंट हमें जो ये अपार्टस है उसका डायामीटर पता होगा, अब वो हम आप डाल देंगे। और जैसे ही हम अपार्टस इसमें डालेंगे और इसको पूरी तरह से फ्रेम कर देंगे कि जिससे कि ये पूरा जोन दिख जाए कि इस जोन के अंडर ही हमारा कवरेज होना चाहिए, इसका मीन्स फोकस होना चाहिए हमारे जो वीडियो सोर्स का। तो उस हिसाब से इसको अरेंज करके हम इसका पूरी तरह से मेजरमेंट सेट कर देंगे। और ये इसी तरह से मैं मेजरमेंट इसमें सेट करता हूँ, और इसका जो पूरी तरह से हमने यहाँ पर मेजरमेंट सेट कर दिया है अपार्टस वन का। और भी अपार्टस अगर आप ऐड करेंगे तो उसको भी इसी हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट सारे के सेट करने पड़ेंगे। अब इसी अपार्टस में हमको फोर्स स्विम टेस्ट करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये पूरी तरह से सेट हो गया। हमारा जोन जो है पूरी तरह से ओके हो गया। अगर ये जोन वाला स्टेप आगे वो नहीं हुआ, मींस खत्म नहीं हुआ, तो वो आगे नहीं बढ़ता, आगे वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद नहीं चलता। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेट कर दिया है, हमने सब कुछ मेजरमेंट डाल दिया है। अब उसके बाद जोन वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद हम सीक्वेंस पे जाएंगे, सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा एनिमल जो है लाइटर है बैकग्राउंड से, तो इसलिए उसको लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे ट्रैकिंग डिवाइस के बाद, एनिमल हेड एंड टेल में हम सिलेक्ट करेंगे उसको, ओके कर। नेक्स्ट है स्टेप है इमोबिलिटी डिटेक्शंस, इसमें ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दिया रहता है, तो इमोबिलिटी ऑलरेडी डिटेक्ट हो जाएगी और ये सबसे जरूरी पैरामीटर है, इसलिए उसको सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैकिंग ऑप्शंस, जिसमें जो जरूरी होता है उसे हम ओके कर देंगे और जो जरूरी नहीं है उसको हम लोग नहीं करेंगे, इसे केस की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है मैनुअल शेड्यूलिंग हम करेंगे इसमें, और उसके बाद वाले स्टेजेस को देखेंगे, और जो यहाँ पर हमारा टेस्ट ड्यूरेशन कितने देर का है वो लिखेंगे 360 सेकेंड, वो एस शॉर्ट में आप लिख सकते हैं सेकेंड की जगह पे। और फिर नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे, जिसमें जो एप्लीकेबल रहेंगे स्टेप्स हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर वो स्टॉप स्टेप उसमें एप्लीकेबल नहीं है तो उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने रहेंगे और पढ़ के ही सारे ऑप्शंस में आपको टिक करना है। मैंने इसीलिए आपको इजी ऑप्शन इस वीडियो में डाल दिया है। फिर इसके आगे आपको चेक कर लेना है, अगर इससे में एप्लीकेबल पढ़ रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको करेंगे ओके। और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ज्यादा हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है हम उसी को मार्क करेंगे और फिर हम आगे स्टेप पे जाएंगे, इसमें ज्यादा कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटोमेटिक स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट, ये हम मैनुअली रखना चाहते हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, आगे वाले स्टेप्स देखेंगे सारे, सारे स्टेप्स सारे आप स्टेप्स आप रीड करेंगे, उसके बाद एक एक वन बाय वन आपको सारे स्टेप्स पे जाना है। मिस एक्सपेरिमेंट करते समय कौन से पैरामीटर्स आपको दिखाने हैं, उन सारे पैरामीटर्स को या टाइम को, टाइम फ्रेम को, सारी चीज को, जिस चीज को दिखाना है आपको उसे आपको मार्क कर देना है, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर जो जो पैरामीटर्स में मार्क किए हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट में उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम प्रोसीजर। प्रोसीजर एक इस पूरी स्टडी का, इस प्रोटोकॉल का एक अहम पार्ट है, इसे आप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे इसको सेटअप करना है। ऐड में जाएंगे, प्रोसीजर ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, वो ऑलरेडी इसमें छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए रहते हैं। आपको आपके एक्सपेरिमेंट्स में जो पैरामीटर्स के हिसाब से चाहिए उस पैरामीटर्स के हिसाब से आपको सेट करना है ये स्टेप्स। और जैसे ही आप स्टेप्स इसमें सारे सेट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको इंस्ट्रूमेंट बता देगा कि आपके स्टेप्स सही हैं या गलत हैं, पर इसको आपको ट्रायल एंड एरर पर इस पे करते ही रहना पड़ेगा जब तक आपका प्रोटोकॉल इसमें प्रोसीजर बन ना जाए। और एक बार अगर आपका प्रोसीजर बन गया है तो आप उसमें लेफ्ट साइड में आपके राइट साइड में, राइट हैंड साइड पे ऊपर ऑप्शन दिए रहते हैं, आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या दूसरे प्रोटोकॉल के लिए इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको प्रोसीजर सेट हो जाएगा, तैसे ही आपको आपको नेक्स्ट स्टेप दबाना है, और अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा। आपको यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट एंड तक यहाँ पर डिजाइन करना है।
और जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप दबाएंगे, अगर प्रोटोकॉल सही होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इधर सारे सारे नोटिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं, प्रोसीजर का नाम भी देना है, और जैसे ही आपका ये प्रोटोकॉल पूरा होगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको दे देगा प्रोसीजर नो एरर। ये नो एरर का ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रीटमेंट ग्रुप में जाना है। ट्रीटमेंट ग्रुप आपको सारे सेट करने हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे लिए ओके रहेगा, तो मैन्युअली हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और रन द एक्सपेरिमेंट ब्लाइंडली, ये वाला ऑप्शन हम लोग एक्चुअली इसको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे जाएंगे एनिमल आईडी में, इसमें इसे मार्क कर देंगे। यहाँ टाइम सेगमेंट्स में आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और पूरी स्टडी को आप टाइम सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास पर ओनली वन स्टडी है, वन टाइम सेगमेंट है, इसलिए 360 सेकेंड्स का हम एक ही सेगमेंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या करना है हमें। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि ये सिग्निफिकेंस लेवल एप्लीकेबल है कि नहीं। हमें वैसे सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल है आपके लिए उसे आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं या अनमार्क कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं एप्लीकेबल है। हीट रेंजेस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग हमने इसे निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हमें रिजल्ट एनालिसिस फिल्टर सेटअप करने के लिए, अब ये रिजल्ट रिपोर्ट और डाटा सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो चीज़ें हमें अप्लीकेबल हैं उसे हमें मार्क करते रहना है, और जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है उसे प्लीज़ छेड़ लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप इसे बनाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आपको मिलेगा, उसे आपको फिर सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें आपको एप्लीकेबल हैं सिर्फ उन्हें ही मार्क कीजिए आपके स्टडी के हिसाब से, और उसके सिवाय आप चीज़ें मत छेड़िए, क्योंकि लास्ट में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही मार्क हो गए हैं, उसकी वजह से आपको रिजल्ट में रिजल्ट सेट करने में ये आसानी नहीं हो रही है। इसलिए जो चीज़ें आपको एप्लीकेबल हैं उन्हें आपको ढूंढ ढूंढ के एप्लीकेबल करना है। मोस्टली तो मोबिलिटी इमोबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें ही आपको मार्क करनी है, और टाइम ड्यूरेशन जो कि आपको पूरी ड्यूरेशन को पूरे सेगमेंट को सेट कर रहा है। ट्रायल की इसमें आवश्यकता आपको अगर लग रही है, अगर 2-3 ट्रायल रिपीटेशंस में है तो आप ट्रायल को मार्क कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे। यहाँ पर हम डाटा हमने पूरी तरह से इसको सेट कर दिया है, और हमारा जो रिजल्ट्स रिपीटेशंस के हिसाब से उसमें दिख जाएगा। अगर आपके पास ट्रायल एक ही है तो एक को मार्क कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अब ऑर्डर्स आपका एक है तो एक को ही रखिए, आगे आप उसे मार्क कीजिए। इधर यहाँ पर ये लास्ट स्टेप्स जो हैं रिजल्ट रिपोर्ट एंड डाटा, इसे देखना बहुत जरूरी है, इसे पूरी तरह से मार्क करना है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में आपको अपने ग्रुप नेम्स डालने हैं, स्टडी में जितने भी ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं उसे हमें यहाँ पर सेट कर देना है, और नंबर ऑफ एनिमल्स ऐड करने हैं जिससे कि आपका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से डिजाइन हो सके।
मैंने यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल और स्टैंडर्ड ग्रुप में एटेड एनिमल्स डाल दिए हैं, और फिर वेरीफाई करने के लिए कि इसके कोड के साथ इसको वेरीफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर असाइन हो चुके हैं एक हेल्पर ग्रुप में, और ये ट्रीटमेंट ग्रुप डाल दिया है, और उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स असाइन कर दिए हैं मैंने, ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट टू, और एट एट एनिमल्स इच ग्रुप मैंने असाइन कर दिया है। यह हमारा एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, अभी चेक कर लीजिए, इसको वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोड के हिसाब से सारे आ गए और नंबर ऑफ एनिमल्स एक साथ असाइन हो गए। जैसे ही टेस्ट आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे वैसे वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करना है, और जैसे ही आप वहां पर ए नंबर का एनिमल्स का कोड देंगे, आपको यहाँ पर आपको जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर आपको ट्रायल एनिमल आईडी देना है A1 A2, ये सीरियल वाइज ही रखना है पर ग्रुप, सारे ग्रुप्स सारे एनिमल्स को A1 से लेके जितने भी एनिमल्स हो उतने आपको यहाँ पर मार्क कर देने हैं, और नंबर वाइज आपको यहाँ पर मार्किंग करते रहना है कि कौन से ग्रुप का कौन सा एनिमल है। और अब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे नंबर A1 दिया है हमने। अब आगे हम इसको मूव करेंगे, जितनी देर का एक्सपेरिमेंट है उतनी देर ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद इसमें चेक एनिमल्स ऑलरेडी चेक, यहाँ पर ऑलरेडी टैग हो गया है जिस हिसाब से हमने टैगिंग की होगी। ये तो मैंने यहाँ पर खाली बर्तन के हिसाब से इसको डाल दिया है यहाँ पर। अब ये पूरी तरह से स्टार्ट हुआ है एक्सपेरिमेंट। अब ये पूरी यहाँ पर सेकेंड्स के हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया है। यहाँ से आप पूरे इसका जो है एक रिकॉर्ड बना सकते हैं वीडियो को अलग ले जाके, जिसमें आप इसको रिकॉर्ड करके आप रख सकते हैं कि ये वीडियो को इंडिविजुअली आप रख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो मैंने अभी रेड वाला ट्राई किया, इससे आप पूरी टैगिंग के साथ, जैसे ये मार्क हैं आपके साथ, इसके साथ आप पूरा वीडियो कर सकते हैं। फिर एंड टेस्ट के लिए है, और पॉज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को एनी टाइम। दूसरे सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप किसी का भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आप वीडियो पूरी तरह से एक बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट इसका जो है टैगिंग आपका खत्म हो चुका है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका खत्म हो चुका है। अब यहां से आप इसको में से एक एनिमल से ले जा सकते हैं। मैं इसे एंड कर देता हूं क्योंकि मैंने इसको, ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट एनिमल ऐड करना है, और हमारा रिजल्ट कैसा आया हो देख रहे हैं।
ये हमारे काम का ऑप्शन नहीं है, इसे हमें देखने की जो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट इसमें रिजल्ट क्या आया है, जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रिपीटेशन हमने यहाँ पर फिल किया, तो उसके बाद हमें हमें चेक कर देना है और क्या क्या पैरामीटर्स आपको रिजल्ट्स में शो करना है उसे आपको यहाँ पर मार्क कर देना है, जिससे कि आपको रिजल्ट में जो जो चीजें जरूरी है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है रिजल्ट में, और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे सारे ऑप्शंस मैन्युअली टिक करके, तो आप इसमें आप फर्स्ट रिजल्ट का फर्स्ट जो रिपीटेशंस हैं उसका आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप हर एक्सपेरिमेंट को मीन्स हर पर एनिमल वाइज कैसे आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे स्टेप्स आपको दिखा दिए हैं जिससे कि इजीली आपको पता चल जाए। ये एक पूरा ट्रैकिंग डिवाइस है, डिवाइस टाइप का है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ एनिमल्स मूव हुआ था। यहाँ पर जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स मैंने आपको खोल के दिखा दिए हैं कि आपको किस स्टेप का कहाँ क्या यूज करना है। इसे आपको इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी, कौन कौन सी चीजें नहीं सिलेक्ट। यहाँ पर हमें अब टोटल मोबाइल टाइम दिख रहा है कि कितनी देर तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, मीन्स टोटल ड्यूरेशन टाइम, और उसके बाद तो मोबाइल टाइम कितना है और नॉन मोबाइल टाइम कितना है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से इमोबाइल टाइम कितना है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिपीटेशन यानी फर्स्ट एनिमल का सिर्फ रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट्स आप यहाँ पर आप चाहे तो सेव कर सकते हैं इसको, अपने फाइल को नाम देके उसको सेलेक्ट करके इसी हिसाब से आप सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डाटा आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है वो सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी दिया रहता है। आप इजीली आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं या आप खुद से भी नोट कर सकते हैं वो भी है, या एक्सेल शीट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए इधर सिलेक्ट करके और जाके आप एक्सेल शीट पे या एक्सेल शीट पे या वर्ड फाइल पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो इजीली आपको मिल जाएगा जो डाटा है आप टाइटल के साथ। आप टाइटल क्या उसका टाइटल का नाम भी आप डाल सकते हैं अगर पूरी तरह से आप सिलेक्ट करेंगे तो, उसमें टाइटल उसके उसके साथ पूरा ये मिल जाएगा और आप यहाँ पर आराम से इसे सारे डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं इजीली, या एक्सेल एक्सेल शीट को भी आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल में भी, जो कि बहुत इजी है। तो ये था आपको कैसे यूज करना है सारे प्रोटोकॉल को। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे पैरामीटर्स को सारे हेडिंग्स को आपको
डिस्क्राइब कर दिया है, इससे आप सेव कर सकते हैं पूरी प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोटोकॉल्स को एक बार आप सेव करके उसे आप सेव कर दें तो ज़्यादा इजी रहेगा। इससे ये दोनों से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से इसको सेव कर सकते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी वो रिकॉर्डिंग की मैं कॉपी आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो ऐसे आएंगे, आपको पूरी वीडियो की जैसे टेस्ट ड्यूरेशन 60 सेकंड का था उसमें कैसे आएगा वो दिखना है। दूसरे टाइप का ये वीडियो है जिसमें कि आपको मार्किंग उसके साथ जो है मार्किंग नहीं आएगी, वो सिर्फ इंडिविजुअली वीडियो आएगा। उसमें ट्रैकिंग थी, ट्रैकिंग में हेड एंड टेल था, हेड और मिडल पोर्शन और टेल तीनों चीजों को ट्रैकिंग था। और ये ऐसे तो ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट आपका खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।